तो आप लोगों के पास मैक मशीन है, मैक लैपटॉप है, मैक ओएस को आप यूज़ करते हैं और आप उस पर करना चाहते हैं सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग। इसके लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं कोड ब्लॉक्स, तो ये कैसे होगा आज का वीडियो इसी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का mysergi.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि कैसे हम लोग अपने मैक मशीन पे, या मेरे पास जैसे लैपटॉप है मैकबुक प्रो, आपके पास मैक ओएस वाला कोई भी लैपटॉप है और उसमें आप चाहते हैं कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड इंस्टॉल करना। तो आज के वीडियो में मैं तीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कैसे हम डाउनलोड करेंगे कोड ब्लॉक्स को मैक मशीन पे, सेकेंड उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और तीसरी चीज ये है कि कैसे हम उस पर सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बना के रन करके देखेंगे। और इसमें जो भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं उनको भी मैंने कवर किया हुआ है, कि कई बार ऐसा भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन उस पर हम लोग प्रोग्राम्स नहीं चला पा रहे, तो वो सारी दिक्कतें भी हम लोग इसमें रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को डाउनलोड करना है कोड ब्लॉक्स को। और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, लिखता हूँ डाउनलोड कोड ब्लॉक्स, और जो सबसे पहला लिंक मुझे मिलेगा वो कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट का ऑथेंटिक लिंक है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। इस साइट पर जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, आप उस पर देखें डाउनलोड द बाइनरी रिलीज फर्स्ट वाला, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मिलते हैं। आप मैक मशीन पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैक पे क्लिक कर दीजिए, हालांकि वो इसी पेज पे है, तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो आपको ये मैक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड ब्लॉक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, दो साइट के लिंक दिए हुए हैं, फॉसहब और सोर्सफॉर्ज, तो आप किसी भी पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ डाउनलोड होना अब स्टार्ट हो गया है, और ये जो है ये बहुत बड़ा नहीं है, तो ये हमारा कोड ब्लॉक्स डाउनलोड इंस्टॉल हो चुका है, करीब 21 MB का है ये। ये जिप फाइल है, इसको सबसे पहले तो मैं किसी फोल्डर में कर लेता हूँ कॉपी, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि इसको मुझे ओपन करना होगा। अभी ये जिप है यानी कंप्रेस्ड है, इसको अनजिप करना होगा, तो यह मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है। आप ये अपने सिस्टम पे कहीं पर भी फोल्डर बना लीजिए, मैंने कोड ब्लॉक्स नाम से एक फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर इस को मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर जो एप्पल की कंप्यूटर्स में एक एप्लीकेशन होती है आर्काइव यूटिलिटी करके, उसको आप यूज़ करके इसको अनजिप कर सकते हैं। ये मैंने अनजिप किया तो देखिए कोड ब्लॉक्स यहाँ निकल कर सामने आ चुका है। और अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ हमारी सारी एप्लीकेशंस रखी होती हैं उस जगह पर जाता हूँ, तो मैं एक व्यू फाइंडर का एक नया इंस्टेंस ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि एप्लीकेशंस कहाँ लिखा है, इस पर क्लिक करता हूँ। जितनी भी एप्लीकेशंस रखी हैं उसी के साथ में इस कोड ब्लॉक्स को भी मैंने रख दिया है, तो ये अब कोड ब्लॉक्स हमारा डाउनलोड भी हो चुका है, इंस्टॉल भी हो चुका है। इंस्टॉल करना है यार बहुत इजी है, ये विंडोज़ मशीन पे जैसा इंस्टॉलेशन है उतना मुश्किल नहीं रहता है, यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको जब ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मना कर रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कोड ब्लॉक्स कैन नॉट बी ओपन, जो डेवलपर है वो अनआइडेंटिफाइड है। तो इसका तरीका ये है कि आप सिस्टम प्रेफरेंसेज में जाइए और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर दीजिए, जहाँ पर आप देखिए कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि पहले हम लॉक ओपन करें। लॉक यानी कि आपने कुछ पासवर्ड सेट करके रखा है अपने सिस्टम पे, तो सबसे नीचे आप देखिए एक लॉक का साइन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप जो भी आपने पासवर्ड अपने मैकबुक प्रो को मैकबुक पे या मैक मशीन पर लॉगिन करने के लिए यूज़ किया था उसको टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है ऐप स्टोर एंड आइडेंटिफाइड डेवलपर्स, इस पर आप सेलेक्ट करके ओपन एनीवे करिए। यहाँ देखिए कोड ब्लॉक्स के बारे में लिखा हुआ है कि कोड ब्लॉक्स इज़ फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड डेवलपर, आर यू श्योर, तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया है। अब ये कोड ब्लॉक्स हम स्टार्ट कर पाएंगे, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कोड ब्लॉक्स को अब हम स्टार्ट कर पाएंगे। कोड ब्लॉक्स स्टार्ट होने में हो सकता है 10-15 सेकंड का समय लगे, इट्स ओके। फर्स्ट टाइम में ये आपसे आपको बता रहा है, नोटिफाई कर रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड कंपाइलर्स कौन से हैं, तो GNU GCC कंपाइलर वो कंपाइलर जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, जो सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो बस यही है। और इसके बाद आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये कंपाइलर जो डिटेक्ट हुआ, इसमें हमने जब डाउनलोड किया तो उसमें कंपाइलर भी आ गया था,
तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है, सेटअप भी हो गया है। तो ये देखिए हमारा कोड ब्लॉक्स स्टार्ट हो चुका है और इस कोड ब्लॉक्स में स्टार्ट हेयर की स्क्रीन को हम बंद भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक एम्प्टी फाइल को ओपन कर रहा हूँ, न्यू फाइल करके एम्प्टी फाइल, और इसमें इसको सेव कर देता हूँ। ये जो फाइल आई है अनटाइटल नाम से है, लेकिन मैं इसको कुछ और नाम देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सपोज करिए इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट डॉट सी। सी लैंग्वेज की फाइल है तो डॉट सी है, अगर सी प्लस प्लस की फाइल है तो डॉट सी पी पी फाइल है। तो फर्स्ट डॉट सी नाम से इस फाइल को सेव कर ले रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मैंने रख लिया है। अब इसके अंदर मैं कोडिंग कर सकता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ मेन फॉन्ट, आपको हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई दे, मैं इसको अभी इंक्रीज कर दूंगा फॉन्ट। अभी मैंने इसमें लिखा है मेन, मेन के अंदर लिखा है मैंने प्रिंट एफ हेलो, और सिंपल सा एक प्रोग्राम हमारा बन गया। सेमीकोलन लगा देते हैं, ये पहला प्रोग्राम हो गया सी लैंग्वेज में, और इसको मैं बिल्ड एंड रन करने वाला हूँ जिससे कि प्रोग्राम रन भी हो। तो यहाँ पे जो मैक में टर्मिनल होता है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा हेलो कहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट लाइन के स्टार्टिंग में आपको हेलो दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद तो प्रॉम्प्ट आ रहा है अगली कमांड लिखने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे विंडोज़ में हम डॉस को यूज़ करते हैं, कंसोल को यूज़ करते हैं। अब इसमें हम चाहें तो कुछ और भी लाइंस लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने प्रिंट एफ हेलो लिखा, मैं एक से ज़्यादा लाइंस भी कोड कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर हेलो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और प्रिंट एफ लिखने जा रहा हूँ, इसी के नीचे एक और प्रिंट एफ लिख दिया मैंने। प्रिंट एफ में लिख देता हूँ लेट्स से दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है। और इसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल देता हूँ बैक स्लैश एन, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में ये मुझे दिखाई दे। ओके, अभी इस प्रोग्राम को मुझे रन करके देखना है, तो अगेन वही बिल्ड एंड रन ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैं चला गया बिल्ड पे, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ, देखिए ओपन हो गया। जो टर्मिनल्स थे उनका पहले पुराने इंस्टेंस भी खुले हुए हैं, देखिए बैकग्राउंड में। अभी यहाँ पर लेकिन आपको दिख गया है कि प्रिंट हो गया है, दोनों लाइंस प्रिंट हो गई हैं। अभी कुछ और मीनिंगफुल प्रोग्राम बना लेते हैं, लाइक दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूज़र से भी इनपुट लेना हो, तो वो कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मुझे जूम करना है तो जूम करने के दो ऑप्शन हमको हमारे पास हैं, एक तो ये जूम इन वाला, हम ये एडिट पर जाते हैं, एडिट से स्पेशल कमांड्स पर जाते हैं और यहाँ जूम इन पर चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा जूम हो जाता है। ऐसा बार बार करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जूम हो जाएगा, लेकिन अगर आप फॉन्ट साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा तरीका भी है। आप सेटिंग्स में जाके, एडिटर में जाके, वहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, वहाँ फॉन्ट साइज़ चेंज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेटिंग्स है, सेटिंग्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, वो अब हम बाद में भी देख लेंगे। अभी आपको कोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल्स बना लिए, सबसे पहले ए बी सी, और प्रिंट एफ लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ में लिख देता हूँ एंटर टू नंबर्स। अब हम लोग एक स्कैन एफ लिख रहे हैं जिससे कि यूज़र एक्चुअल में नंबर एंटर करेगा, परसेंट डी और एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, दो वेरिएबल्स हमने बनाए ए और बी जिसमें दो नंबर्स रखेंगे। अब सी वेरिएबल के अंदर ए और बी का सम रख देते हैं, ये हो गया दो नंबर का एडिशन। अब प्रिंट एफ करवा देते हैं, सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी, और परसेंट डी की जगह वैल्यूज़ किसकी प्रिंट हो, ए बी और सी की वैल्यू प्रिंट हो, तो मैसेज प्रॉपरली प्रिंट हो जाएगा। अभी ये हमारा एक दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बन चुका है, इसको बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। ये मैं ऑप्शन पे जाता हूँ बिल्ड एंड रन के, अच्छा यहाँ पे मैं न्यू लाइन कैरेक्टर लास्ट में भी और शुरुआत में भी जोड़ देता हूँ ताकि वो टर्मिनल पे जब दूसरे टेक्स्ट के साथ मैसेजेस के साथ दिखे तो कन्फ्यूजन ना हो। ये बिल्ड एंड रन किया, आप देख सकते हैं बाकी दो इंस्टेंसेस भी पीछे खुले हुए हैं, आप उन इंस्टेंसेस को चाहें तो बंद कर दीजिए। ये मैंने बंद कर दिए इंस्टेंसेस, अभी वाला जो रन किया वो ये इंस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें देखो मैसेज लिखा हुआ है एंटर टू नंबर्स, और यहाँ पे दो नंबर्स मैं 10 और 20 एंटर करता हूँ, देखिए सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो आप लोगों ने समझा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर आपने उसमें जो इशू आ सकता था कि वो ओपन नहीं हो रहा था तो सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाके हमने उस इशू को भी रिजॉल्व किया था, वो भी आप लोगों ने देखा। फिर हम लोग पहला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो भी आप लोगों ने देखा। दोस्तों मेरे इस चैनल पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड लर्निंग वाले वीडियोस हैं, आप हिंदी में कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा पायथन पीएचपी, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं, और भी कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं लाइक डीबीएमएस या डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये सब आप इस चैनल पे सीख सकते हैं और वो भी हिंदी में।
इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट, मेरा पेड कंटेंट भी है, फ्री कंटेंट भी है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं मेरी सारी वेबसाइट्स को, तो उसके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी चार अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग पर्पस से बनी हुई हैं। मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी देता हूँ, मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करता हूँ, और यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूँ, और बहुत सारे वीडियोस अभी तक मैं बना चुका हूँ। इन सब के लिंक्स आपको इन साइट्स पे मिल जाएंगे, तो उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर दीजिए। और इस चैनल पे आपको कमाल की जानकारियाँ मैं लगातार देता रहता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके टेस्ट का है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो आपसे मिस ना हो जो आपके काफ़ी काम का है। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो ज़रूरी लगे आप कमेंट भी करिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।